सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो गेम प्ले चल रहा है किसी और का नहीं, मेरा खुद का गेम प्ले गाइज। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल साइलेंस एफएफ। सो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ भाई लोग, तुम्हारे पास भी अगर रेडमी 12 5G का डिवाइस है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि आज का ये खास वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है। और आज का इस खास वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा जो रेडमी 12 5G वाला डिवाइस है उसमें क्या सेंसिटिविटी सेटिंग, क्या कस्टम एचयूडी, क्या डीपीआई सेटिंग रखना है जिससे आप बिल्कुल हेड पे हेड मारो, जिससे आप बिल्कुल वन टैप गेम प्ले कर पाओगे एंड आपका जो मूवमेंट है वो भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाने वाला है इस वीडियो के बाद। और भाई लोग, मैं अभी जो सेटिंग बताने वाला हूँ अगर आप कर लेते हो उस सेटिंग को, तो आपका हर एक बुलेट सीधे बंदे के हेड पे जाके लगेगा। इस सेटिंग के बाद आपका जो गन रिकॉल है वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाने वाला है, मतलब कि आप जब फायर करते हो तो बंदे के हेड के आसपास से निकल जाती है लेकिन बंदे के हेड पे नहीं लगती है, तो वो चीज काफी ज्यादा कम हो जाने वाला है। एंड आपका जो एक्यूरेसी है ना गाइज, वो काफी ज्यादा तगड़ा हो जाने वाला है इस वीडियो के बाद। एंड आपका हर एक शॉट सीधे बंदे के हेड पे लगने वाला है, बिल्कुल ऑटो हेड शॉट लगने वाला है। एंड आपका जो मूवमेंट है ना गाइज, वो ना लाइक बवंडर हो जाने वाला है, एकदम तगड़ा मूवमेंट हो जाने वाला है। तो भाई लोग, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो का हर एक छोटे छोटे क्लिप तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ गाइज, मैं यहाँ पे जो सेटिंग करने वाला हूँ बस वही सेटिंग आपको करना है, आपको खुद से ना ज्यादा ना कम करना है, मैं यहाँ पे जो बताऊंगा बस वही को कॉपी करना है। और गाइज, अगर फिर अपने से आप ज्यादा कम करोगे तो फिर गाइज मैं जो सेटिंग यहाँ पे बताऊंगा वो सेम वर्क नहीं करेगा। तो यार, मैं जो यहाँ पे सेटिंग बताने वाला हूँ बस उसी को आपको अप्लाई करना है, वीडियो को केयरफुली वॉच करना है ताकि आप वीडियो का छोटे छोटे क्लिप भी मिस ना करो। और भाई लोग, अभी मैं जो सेटिंग बताने वाला हूँ उस सेटिंग को कर लेते हो तो आपका जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाने वाला है इस वीडियो के बाद, प्लस ग्लू वॉल वगैरह सभी कुछ आप बिल्कुल बहुत ही फास्ट लगा पाओगे। सो भाई लोग, अब यहाँ पे ज्यादा देरी नहीं करेंगे और अपना फोन का जो स्पेसिफिकेशन है वो बता देते हैं। इस वाले फोन का जो प्रोसेसर है गाइज वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2। अब बात करें प्रोसेसर का, तो प्रोसेसर गाइज ठीक ठाक प्रोसेसर है और ठीक ठाक गेमिंग करा सकता है ये प्रोसेसर, मतलब कि गाइज ये वाला प्रोसेसर में हम लोग गेमिंग तो कर सकते हैं बट आप बोलो कि बहुत ही अच्छा गेमिंग तो वो नहीं कर सकते। लेकिन गाइज, अभी मैं जो सेटिंग बताने वाला हूँ उस वाला सेटिंग को कर लेने के बाद आपका जो प्रोसेसर है ना गाइज, उसका जो पावर होगा दुगना हो जाने वाला है, मतलब कि सीधे सीधे शब्दों में बोले तो गाइज, अभी जो आपका फोन में परफॉर्मेंस आ रहा है इस वाले सेटिंग को कर लेने के बाद, आपका जो फोन का परफॉर्मेंस है वो अभी से कहीं ज्यादा बढ़ जाने वाला है। आपके पास पीसी प्लेयर हो या फिर वो आईफोन प्लेयर, आप बिल्कुल घबराने वाले नहीं, आप बिल्कुल टक्कर का गेम प्ले देने वाले। सो नाउ विदाउट एनी लेट खोलते अपना गेम को और बताते हर एक सेटिंग को। तो सबसे पहले यहाँ पे चलना अपना डिस्प्ले सेटिंग पे, डिस्प्ले में यहाँ पे सबसे पहले देखना अपना ग्राफिक सेटिंग को। ग्राफिक में गाइज यहाँ पे बिल्कुल भी आपको अल्ट्रा और मैक्स पे नहीं खेलना है। अब बताते गाइज आपको यहाँ पे क्यों अल्ट्रा और मैक्स पे आपको यहाँ पे नहीं खेलना है, क्योंकि गाइज आप ग्राफिक को जब बढ़ाओगे तो आपका जो गेम का ग्राफिक है वो तो अच्छा दिखेगा लेकिन आपका जो फोन का परफॉर्मेंस है ना गाइज, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको अल्ट्रा और मैक्स पे नहीं खेलना है। एंड आपका जो प्रोसेसर है उससे आपको लोड हटाना, उसको फ्री करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड और स्मूथ पे शिफ्ट हो जाना है। अब यहाँ पे सेकंड थिंग यहाँ पे जो है गाइज, देख सकते हो यहाँ पे हाई FPS, इस चीज को हमेशा आपको हाई करके रखना, कभी भी इसको कम नहीं करना है। इसमें गाइज कुछ कुछ बंदे जो नए होते फ्री फायर में, उसको समझ में नहीं आता, उसका जो हाई FPS है वो ऑफ रहता है तो उसका जो गेम है वो लैग करने लग जाता है, उसमें फ्रेम ड्रॉप दिखने लग जाता है, तो उसको लगता है फोन का कोई डिफॉल्ट खराबी है, बट ऐसा नहीं है। आप उसको अगर नॉर्मल को हाई कर दोगे तो यहाँ पे आप बिल्कुल ही अच्छा खासा आपको FPS निकाल के देगा गेम में, एंड आपका जो गेम है वो गाइज मक्खन की तरह चलेगा। सो यहाँ पे डिस्प्ले का जो सारा भी सेटिंग था मैंने सारा बता दिया, तो अब यहाँ पे अपना चलते कंट्रोल सेटिंग पे। अब यहाँ पे आप कंट्रोल सेटिंग में देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन, क्विक वेपन स्विच, ये सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे और जो सेटिंग है यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, यहाँ से सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट कर लेना गाइज। आप वीडियो को स्लो डाउन करके या वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप सेटिंग को कॉपी कर लेना गाइज। और यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे जैसे जो सेटिंग है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेना गाइज। सो यहाँ पे कंट्रोल सेटिंग के बाद आता हमारा कस्टम HUD, जो की गाइज आपके गेम प्ले को फास्ट और अच्छा बनाने के लिए एक अच्छा कस्टम HUD होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे बताते हैं आपको कौन सा कस्टम HUD कैसा रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये वाला कस्टम HUD, अभी जो आपका स्क्रीन पे गेम प्ले चल रहा है वो यही वाला कस्टम HUD का है, और आप गेम प्ले देख के तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये वाला कस्टम HUD से आप किस लेवल का गेम प्ले कर सकते हो और आप कैसे फास्ट मूवमेंट के साथ वन टैप गेम प्ले कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले कस्टम HUD के साथ प्रैक्टिस करना है, एंड देन आपका जो गेम प्ले है ना गाइज वो नेक्स्ट लेवल का हो जाने वाला है। एक अच्छा और फास्ट गेम प्ले के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कस्टम HUD होता है गाइज, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा सेंसिटिविटी सेटिंग होता है। तो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं हमें कौन सा सेंसिटिविटी सेटिंग कैसा रखना है जिससे आप बिल्कुल नेक्स्ट
नेक्स्ट लेवल का गेम प्ले दे सकते हो। तो सेंसिटिविटी सेटिंग में सबसे पहले यहाँ पे हमारा जनरल सेटिंग, जनरल सेटिंग को यहाँ पे आपको 100 करके रखना है, इसको कभी भी कम नहीं करना। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है रेड डॉट, तो रेड डॉट को कितना रखना है, तो रेड डॉट को आप 95-100 के बीच में कहीं भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं रेड डॉट को 95 पे रख देता हूँ। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारा 2x स्कोप एंड 4x स्कोप। अब यहाँ पे ये दोनों ही स्कोप को 90-95 के बीच में कहीं भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2x को 90 पे रखा हूँ एंड 4x को भी यहाँ पे मैं 90 पे कर देता हूँ। एंड आप यहाँ पे 90-95 के बीच में कहीं भी रख सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब यहाँ पे 2x स्कोप एंड 4x स्कोप के बाद आता हमारा यहाँ पे स्नाइपर स्कोप। तो मैं जो यहाँ पे स्नाइपर स्कोप यूज करता हूँ वो डिपेंड करता है कि मैं कैसा गेम प्ले करता हूँ, मतलब कि मैं किस रेंज पे स्नाइपिंग करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग रेंज पे स्नाइपिंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं 50 और 50 के आसपास रखता हूँ। अब इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, जो दूर में बंदे का मूवमेंट है वो इतना ज्यादा तेज नहीं दिखता है, तो ऐसे में जो आपका स्कोप का स्टेबिलिटी है वो इतना ही ज्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं स्नाइपर स्कोप को 50 या फिर 50 के आसपास रखता हूँ। वहीं मैं जब यहाँ पे क्लोज रेंज में स्नाइपिंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं स्नाइपर स्कोप को 100 या फिर 100 के आसपास रखता हूँ। मैंने जो लॉन्ग रेंज में बताया उसका जस्ट यहाँ पे उल्टा होता है। क्लोज रेंज में जो एनिमीज होते हैं उसका मूवमेंट काफी ज्यादा तेज होता है एंड उतना ही जल्दी आपको यहाँ पे स्कोप को उसका हेड की तरफ एम करके मारना होता है। इसलिए आपको यहाँ पे आपका जो मूवमेंट है स्कोप का वो काफी ज्यादा तेज होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैं सेंसिटिविटी बढ़ा के रखता हूँ ताकि उतना ही जल्दी स्कोप मूव करे। तो ऐसे में जो स्कोप का सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है उसको यहाँ पे मैं 100 या फिर 100 के आसपास रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री लुक, जो कि मैं इतना ज्यादा इसको यूज नहीं करता हूँ एंड मुझे लगता है कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इसे कहीं भी आप रख सकते हो। सो यहाँ पे कंट्रोल सेटिंग, कस्टम HUD, सेंसिटिविटी सेटिंग, ये सारा हो गया गेम का सेटिंग। एंड अब मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ वो है DPI सेटिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ DPI का कौन कौन सा सेटिंग रखना और अदर क्या क्या सेटिंग रखना है, जिससे आपको बिल्कुल ही थोड़ा सा ड्रैग करने से ही हेड लग जाएगा आपका एंड आपका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, आपका जो एक्यूरेसी है वो भी तगड़ा हो जाएगा, आप बिल्कुल ऑटो हेडशॉट मार पाओगे। अब यहाँ पे DPI का सारा सेटिंग आपके स्क्रीन पे शो होगा, तो आप वीडियो को स्लो डाउन करके या फिर वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेना सेंसिटिविटी सेटिंग।